हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एंड आज दिन की शुरुआत 7:30 से हो रही है गाइस। आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठ गया हूँ। आज धूप से पहले दिखाता हूँ आपको, ये देखो आज धूप भी नहीं लगी है, अभी थोड़ी देर में लगेगी वो सामने से। अभी तक कोई धूप नहीं लगी है, मौसम है साफ। और कल शाम को तो आपने देखा ही होगा कितना ख़राब था, तो मौसम की भी गेम ही समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। तो जाते हैं ऊपर को, देखते हैं कौन कौन उठा घर में अभी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है। तो दिखाता हूँ आपको सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू अपने गांव का। यहाँ देखो सामने धूप लगने वाली है, वो ऊपर ये देखो आप हमारा गांव, ऐसा सा कुछ दिखता है सुबह सुबह। ऐसे यहाँ पे धूप लगती है चारों तरफ से। आज ना इसे हम नहलाएंगे, इधर इधर ये सारा सामान हमने तैयार कर दिया। ये इसके लिए शैम्पू है, और क्योंकि ये बहुत गंदा सा हो गया मैला जैसा, तो इसको नहलाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। ऐसे क्या करता है गंदा कहीं का, उधर नीचे बेटी ना गई है। बेटी कैसी बन गई है बेटी, तो देखो यहाँ। हाँ बेटी ना गई, ना दो के फ्रेश। अब ये सूखेगी थोड़ी देर में। जाना है आज दूसरे बगीचे, और हमारी लेबर को जाना है दूसरे बगीचे। ये देखो ये सारे लोग जा रहे हैं नीचे वाले बगीचे, वहाँ पे थोड़े बहुत छीटे रहे हुए उठाने को, और कटिंग शुरू हो जाएगी आज ऊपर वाले बगीचे में। मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले बगीचे, मतलब बांगसार, तो वहाँ जाते फिर देखते क्या सीन। तो यार मैंने ना 50% रास्ता अपना कवर कर लिया है, अभी पहुँचा हूँ मैं चुका हूँ अपने बगीचे में। अरे यहाँ पे हालत ख़राब, क्योंकि इधर सेब नहीं कटे हुए अभी। तो वक्त हो गया है घर जाने का, और मैं भी निकलने लगा हूँ घर को, क्योंकि नानू वेट कर रहे होंगे घर पे मेरा, और उन्होंने लंच भी नहीं किया। आपका मम्मी वगैरह तो गए दूसरे बगीचे, मैं आया था ऊपर वाले बगीचे। तो जाता हूँ जल्दी जल्दी घर का हूँ घर पे। नानू को लंच वगैरह करवा दिया है, यहाँ चल रही है हवा। अभी मैंने गाड़ी की चाबी ले ली है, अभी मुझे जाना है नदी तक, वहाँ देखते क्या क्या प्रोग्राम बनता है। गाड़ी आज अकेले घूमने का मन हो रहा है, हूँ गाड़ी में, और अब मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है, फिर निकलना है सीधा नीचे, फिर नीचे जाके देखते क्या क्या सीन बनता है, कहाँ तक पहुँचते हम लोग। हम लोग क्या, अकेला हूँ मैं, अकेले जाऊँगा।
अपन ने ना सारे चैलेंजेस पार कर दिए। यहाँ पे सिर्फ एक चैलेंज था, यहाँ पे ये पत्थर है, इस पे जैसे टायर आता है ना इस पे स्किड करने लग जाता है, और यहाँ पे इनमें थोड़े से टाइम घिसते टायर, और इसके बाद अब मेरा सफ़र होगा यहाँ से पीछे शुरू, और मुझे जाना है पीछे लास्ट जहाँ तक है ये, वहाँ तक जाना है। जिस चीज़ को बेवकूफ़ बनना कहते हैं वो मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मेरा बेवकूफ़ बहुत ही गंदे तरीके से बन चुका है। यहाँ देखो रोड, मैं यहाँ तक पहुँच गया बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। यहाँ से पीछे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ख़राब होगा, पर मतलब मैं सोचा था कि थोड़ा सा रैंप होगा उस पे चढ़ जाएगी फिर मैं यहाँ से पीछे निकल जाऊँगा, पर यहाँ तो हालात कुछ और ही कह रहे हैं। गाइस क्या हो गया ये अपने साथ, यहाँ से पीछे ना गाइस बड़ा लंबा जैसा ट्रैक है, ये पीछे को रोड गया इधर 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 ऊपर तक गया हुआ, ये काफ़ी ऊपर तक, तो उधर जाने का सोच रहा था मैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। यहाँ से पीछे अब मैं जाऊँगा पैदल, थोड़ा बहुत मेरे पास सामान है वो ले जाऊँगा और मैं निकलूँगा यहाँ से, पैदल ट्रैवल करूँगा यहाँ से पीछे, कोई चक्कर नहीं है, गाड़ी को यहीं रहने देंगे, कोई बात नहीं। तो अपनी पैदल यात्रा हो चुकी है शुरू, एक चेयर मैंने ला ली है अपने साथ, थोड़ा सा सामान है इसमें डाला हुआ थैले में, गाड़ी छोड़ दी वहीं आगे क्योंकि उधर बहुत बड़ा गड्ढा था। तो निकलता हूँ ऊपर को जंगल की तरफ, फिर वहाँ पे एक जगह में जाके बढ़िया से रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है रोड और यहाँ से शुरू हो जाएगा घना जंगल, टॉप लेवल का जंगल शुरू हो जाएगा, और यहाँ से नदी क्रॉस करके पार जाना पड़ेगा पाली साइड से, फिर आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या सीन है पीछे को, काफ़ी पीछे तक जाएंगे आज हम। यार मैं ना काफ़ी पीछे आ चुका हूँ, मतलब 3 बजने लग गए हैं मेरे, मतलब चलते चलते। ये चेक करो गाइस क्या खतरनाक नज़ारा आ रहा है, और मैंने ना अपने लिए चेयर लगा दी थी बैठने को, और मुझे जाना है इधर पीछे चांशिल वाले काले जंगलों में, वहाँ जाऊँगा आज मैं। ज़रा कहाँ तक पहुँचता हूँ अभी तो काफ़ी टाइम है मेरे पास, क्योंकि धूप अभी यहाँ है तो इसे ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और आगे चेक करो गाइस मैं कितना पीछे आ गया हूँ। तो इसे कहते हैं जो कुदरत का बना हुआ है, ये देखो आप, और इस पे क्रॉस होना है पार, ऐसे कुछ ऊपर चढ़ना पड़ता है इसमें, ये देखो यहाँ से तो गाइस एकदम चकाचक है ये, और नीचे नदी, आगे को ऐसा कुछ व्यू, पीछे को भी कुछ ऐसा व्यू, और चलते हैं इस पे आगे को। तो मैं आ गया हूँ काफ़ी दूर, मतलब बहुत दूर आ गया हूँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने दूर आ गया हूँ। मेरा काफ़ी टाइम हो गया था चलते 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 चलते, और आगे से पीछे को काफ़ी टाइम लगा मुझे आने में, तो अभी यहाँ से निकलूँगा मैं इधर ऊपर को, क्योंकि थोड़ा हाइट पे जाना है मुझे, ऐसे ऊँचे पे, अगर मैं नदी के साथ पीछे पीछे जाता रहूँगा तो पता नहीं, नदी तो ऐसे डाउन ही होती है ना पीछे, तो इस वजह से मैं ऊपर को चढ़ूंगा थोड़ा सा, फिर अच्छा व्यू मिलेगा मुझे। सबसे ऊंची चढ़ाई है यहाँ से ऊपर, ये देखो आप कितनी ऊंची है ऊपर को, मतलब इसमें हम मुझे पूरा ऊपर को ऐसे ही जाना है, और धूप भी मिल जाएगी यहाँ ना गाइस। पेड़ भी चेंज हो गए, ये देखो दूसरे टाइप के पेड़ आ गए, और नीचे रही नदी, यहाँ से काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं नदी से, आप चेक कर सकते हैं ये देखो, यहाँ से आया हूँ मैं नीचे से ऊपर इतनी चढ़ाई, और यहाँ से ऊपर और ज़्यादा चढ़ाई। तो पहले ये कर देता हूँ क्रॉस, ये है गाइज हाई अल्टीट्यूड के पेड़,
जो बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर थे ना, ये वाइट वाइट से, यहाँ देखो इनकी हाइट कितनी है और मोटे भी बहुत ज़्यादा है, ये देखो कितने बड़े बड़े। तो मैं तो निकल ही रहा हूँ आगे आगे, ज़रा कहाँ तक पहुँचता हूँ। तो वक्त हो गया है, 4 बज गए हैं और धूप अभी इधर ही है मेरे साथ साथ, और मैं ना थक गया हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ वगैरह देखी और पत्थर भी मिल गए थे, मुझे लगा यहाँ पे कॉफ़ी बना लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि थकान काफ़ी हो गई है तो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, फिर कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। के बाद अभी हमारी आग, मेरी आग जल चुकी है, अब कॉफ़ी बनाने का वक्त हो चुका है। और मैंने थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियाँ की, ये सामने गिल्ली थी और बहुत मेहनत लगी आग जलाने को, इतनी मुश्किल से आग जली ना, जली नहीं रही थी। तो अब कॉफ़ी बनाने की तैयारियाँ करता हूँ, कॉफ़ी बना लेता हूँ, फिर जाके आराम से पीऊँगा। दूध लग चुका है ऊपर, और मैंने ना आज काला सा बर्तन लाया, और ये कॉफ़ी है, और ये ना वरना और दिन बहुत काले हो जाते थे बर्तन, तो आज मैं काले वाले लेके आया जो बाहर से काला था, तो आज इसमें ट्राई करेंगे, और इसमें किसी भी चीज़ की दिक्कत ही कुछ नहीं। जंगल में ना कॉफ़ी बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ये मतलब उबल चुकी है एक बार, अब थोड़ी सी और उबलेगी, और मेरी आंखों से देख सकते हैं आप आंसू आ गए थे गाइस, लिटरली यहाँ पे ना मैं इतना धुआं हो गया था ना, और आग जल नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, मैं आधे घंटे से गाइस यही बना रहा हूँ, कॉफ़ी बना रहा हूँ, आग जला रहा हूँ, फिर आग बुझ रही है, फिर लकड़ियाँ ढूंढ के ला रहा हूँ, ऐसे ऐसा सीन है। और धूप भी जा चुकी है इधर से, तो पीते हैं अपनी कॉफ़ी और फिर निकलते आगे की यात्रा पे। गाइस तो कॉफ़ी वगैरह कंप्लीट, और सारी साफ़ सफाई भी कर ली है इधर, जो जो कूड़ा लाया था वो सारा क्लीन करके ओके हो गया है। अब मुझे निकलना इधर, इधर से आगे, आगे से निकलूँगा नीचे को, और नीचे जाके मिल जाएगा वो रास्ता सीधा नदी में, फिर वहाँ से निकलूँगा आगे। गाइस मैं ना काफ़ी पीछे आया हूँ, मतलब मुझे ना 2 घंटे आने आने में लग गए थे पीछे को, तो अब निकलता हूँ आगे को, ज़रा कितना टाइम लगता आगे जाने में। ये देखो यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं टॉप में, काफ़ी हाइट में ये, क्योंकि ये वाला पेड़ काफ़ी हाइट में होता है। जितना मैं ना आगे आगे जा रहा हूँ उतना ही घना जंगल आते जा रहा है, मतलब आगे आगे जा रहा हूँ जितना वैसे वैसे घना घना जंगल। यहाँ देखो यहाँ पे मुझे धूप मिल चुकी है, पहले तो वहाँ जिस जगह पहले था वहाँ चली गई थी, अभी आगे को बढ़ते बढ़ते मुझे इतनी धूप मिल गई है, और घना जंगल ये देखो आप चारों तरफ घना जंगल। और गाइस मेरे साथ हो चुका है सीन, ये देखो मेरे में चुप चिपक गए कुमरे ही कुमरे, इतने कुमरे हैं ना गाइस मैं बता नहीं सकता आपको, और ये ना कपड़ा ही ख़राब कर देंगे गाइस, ये नहीं सूखते आसानी से, दूसरे वाले जंगली वाले कुमरे होते हैं, मतलब ऐसे चिपक जाते हैं ये कपड़ों से, निकलते ही नहीं, चाहे धोएंगे चाहे जो मर्जी कर लो। पहुँच चुका हूँ जहाँ से मैंने नदी के साथ से ऊपर को टर्न लिया था ना, मुझे उतरने में इस जो ये ऊपर से जिसको चढ़ा था ना मैंने उतराई, इसको उतरने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक, और आप सीधा नीचे नाले में, ये देखो ऊपर से गिरोगे, क्योंकि यहाँ से ना बर्फ़ भी पहले ऐसे घिसड़ घिसड़ के आई हुई है नीचे, मैं देख रहा था, और क्या नाम कहते इसमें ना पूरे बर्फ़ से छाप पड़े हुए, पूरी घास वगैरह ऐसे नीचे को लेटी हुई है पूरी, और हरियाली तो आने ही लगी, ये तो आप भी देख ही रहे होंगे। तो मेरे पास हो चुका है अंधेरा, 5 बज चुके हैं यहीं पे, और मैं पहुंचा हूँ नदी के पास, धूप धूप सारी जा चुकी है, तो अब
मैं ना इधर से कभी नहीं आया हुआ था और ये ना बहुत डरावना जंगल है। ये देखो गाइस पहाड़, आप अगर एक रास्ता गलत चुन लिया तो सीधा इनके ऊपर आते हैं और नीचे उतरने का कोई ऑप्शन नहीं। मैंने भी अभी ले लिया था एक गलत स्टेप, पर मैं संभल चुका था, थोड़ी देर बाद मुझे आ गया था याद कि कहाँ से जाना है। गाइस तो मैं पहुंच चुका हूं गाड़ी के पास और आप ये चेक कर सकते हैं, गाड़ी यहां पे लगाई हुई थी मैंने और मैं इधर पीछे से आया और अंधेरा भी होने वाला है। ये लाल वाली धूप लगी हुई है अभी, ये भी थोड़ी देर में निकल जाएगी। तो मैं भी निकलता हूं घर को और मेरे पास ना बैटरी भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये ब्लॉग यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि घर पहुँचते ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा क्योंकि 5% बैटरी है। तो इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो आपको तो सारी चीज़ें पता है, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा और मिलता है किसी इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग के साथ।